नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी से साइंस सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ चुके हैं और अब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पहले अब तक हम लोगों ने कुल 3 पेपर का फुल डिटेल के साथ सोल्यूशन कर लिया है और आज हम जो है सितंबर 2015 के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये बोल रहा है दो टेस्ट ट्यूब है ए और बी। ए में क्या है? ए में पेस्ट है, हल्दी का पेस्ट है। और बी में क्या है? बी में जो है सल्यूशन है, को सल्यूशन है फिलोप्थलीन का। फिर ये बोल रहा है कि अगर उसमें कुछ ड्रॉप ऐड करो डाइल्यूट HCl का, तो जो है टेस्ट ट्यूब के कंटेंट का क्या होगा कलर। तो देख दोस्तों, मान लो ये टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है। इसमें क्या है? इसमें हल्दी का पेस्ट है, इसमें हल्दी का पेस्ट है ए में। और बी में क्या है? बी में जो है हमारा फिनॉप्थलीन है। तो दोस्तों HCl क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और चूंकि हल्दी का जो पेस्ट है ये भी एक एसिडिक सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है। जब आप एसिड में एसिड को मिलाएंगे तो उसका कलर जो क्या रहेगा, उसका कलर पीला ही रहेगा, पीला ही रहेगा। दोस्तों जब हम फिनोप्थलीन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था फिनोप्थलीन क्या करता है, पिंक कलर देता है अगर सोल्यूशन कैसा हो, बेसिक हो और कलरलेस हो जाता है कब, अगर सोल्यूशन जो है एसिडिक हो। चूंकि फिनोप्थलीन है, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, एक एसिड मिला रहे हैं, इसलिए इसका सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो ए का सोल्यूशन कैसा रहेगा, पीला, लेकिन बी का कैसा है, ये पिंक दे रहा है, तो ये रॉन्ग है। ए का इसमें दे रहा सेकंड ऑप्शन पीला रहेगा और बी का कलरलेस हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अनीता क्या करती है। अनीता जो एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करती है, फिर उसमें क्या डालती है? एल्यूमिनियम की पतली परत का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है, फिर उसके बाद क्या करती है? एक जलती हुई माचिस की तीली को परख नली के मुख के पास लाती है, तो वह वहां क्या सुनती है? एक पॉप साउंड सुनती है। ये पॉप साउंड किस गैस की प्रेजेंस को बता रहा है? तो दोस्तों ये परख नली है जिसमें क्या है, इस परख नली में क्या है, NaOH का विलयन है ताजा। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसमें वो क्या डालती है, एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा टुकड़ा डालती है, एल्यूमिनियम की पन्नी का छोटा टुकड़ा डालती है। तो दोस्तों ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं और बनाते क्या है, NaAlO2, और हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। दोस्तों जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किस साउंड के साथ जलती है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट होगा कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ उसको सुनाई देती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इनमें से जब जो है जल क्या होता है, जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में रूपांतरित होता है तो कौन सा बदलाव होता है। तो ये बोल रहा है कि क्या पार्टिकल की साइज चेंज हो जाता है, या स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है पार्टिकल का, या डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल चेंज हो जाता है, या कलर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें जो है स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस फ्यूल का है। तो दोस्तों जब हम कैलोरीफिक वैल्यू बता रहे थे तो हमने बताया था कि 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे क्या कहते हैं, उसे उस ईंधन की प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे उस ईंधन की क्या कहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। दोस्तों जो अच्छा ईंधन माना जाता है, जिसे हम अच्छा ईंधन मानते हैं, उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो बहुत
हाई होती है, अच्छे ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है, लेकिन इसका यूज हम सामान्य रूप से ईंधन के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो सुरक्षित भंडारण है, क्योंकि इसका जो सुरक्षित भंडारण है वो क्या है, वो कठिन होता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है? इसमें सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन की है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करो। तो दोस्तों, लैक्टोबैसिलस है, ये क्या करता है? ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसको हम अपनी थ्योरी में पढ़ा चुके हैं दोस्तों, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ एक मलेरिया के द्वारा जो है प्रोटोजोआ होता है। राइजोबियम क्या करता है दोस्तों? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि जो रूट होती है लेग्यूम प्लांट की, उनको नाइट्रोजन वो वायुमंडल से डायरेक्ट नहीं ले पाते, इसलिए राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और एड्स किससे होता है दोस्तों? एड्स जो है वो वायरस से होता है। तो ए का डी किस में है? ए का डी दो में है, लेकिन प्रोटोजोआ जो मलेरिया होता है वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो जो है सेकंड ऑप्शन का सी होगा, तो इसमें सी दे रखा है, इसमें ए, तो ये रॉन्ग है, ए ऑप्शन करेक्ट। बोल रहा है दोस्तों, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट चुनो। तो पहला ऑप्शन है, सभी रंगों की पत्तियां जो है वो प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ये रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उसमें ही होता है जिसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है, प्लांट कैरी आउट कर रहा है फोटोसिंथेसिस इवन विदाउट क्लोरोफिल, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तीसरा ऑप्शन है, प्लांट विद ग्रीन लीफ ओनली कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो दोस्तों ये सही है, क्योंकि ग्रीन लीफ में क्या होता है, इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों, आपने ये फार्मूला देखा होगा फोटोसिंथेसिस का, मैंने कई बार पढ़ाया भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वायुमंडल से लेते हैं और वाटर लेते हैं, फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल जिन पत्तियों में होता है वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन जो है रिलीज कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमन बीइंग जो है ऑक्सीजन को यूज करते रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रीमा क्या करती है? अपनी दोस्त को बताती है कि जो भिंडी है वो एक फ्रूट है, लेकिन उसकी जो फ्रेंड है सहाना वो उससे असहमत है उससे। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? चूंकि उससे असहाना जो है क्या है, सहाना उससे असहमत है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग तब क्या होना चाहिए भिंडी को, उसके अकॉर्डिंग वो कहती है लेडी फिंगर को हम लोग पका के खाते हैं, इसलिए वो एक सब्जी है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि रीमा बोल रही है ये फल है अपनी फ्रेंड से, लेकिन उसकी फ्रेंड सहाना उससे असहमत है। क्यों असहमत है दोस्तों? क्योंकि वो कहती है लेडी फिंगर को हम लोग पका के खाते हैं, इसलिए वो क्या है, वो एक वेजिटेबल है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी में या चिंता में होते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है हमारे तनाव को एडजस्ट करने में हमारी मदद करता है? तो दोस्तों, इसको हम बता चुके हैं, जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है ये हमारी मदद करता है। ये निकलता कहाँ से है? ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है दोस्तों, और ये हमारी मदद करता है जब हम कभी चिंता में होते हैं, या हम जो है क्रोध में होते हैं, या हम चिंता में होते हैं, या हम शर्मिंदगी में होते हैं, तो ये हार्मोन हमारी मदद करता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले इस हार्मोन को दोस्तों फ्लाइट एंड फाइट फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट कॉलम ए विद दोज ऑफ कॉलम सेकंड से मैच करो एडिबल पार्ट को।
इसमें से रूट कौन सा है प्लांट, जो रूट है, रूट जो है कैरेट एक रूट है दोस्तों, और सुगर केन क्या है, एक स्टेम है, सीड किसका, सीड ग्राउंड नट का है, और हम सभी जानते हैं एप्पल एक फ्रूट है। तो रूट क्या है इसमें, रूट गाजर है। इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें डी दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ग्रुप है ह्यूमन डिजीज का जो वायरस के द्वारा होता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं जो खसरा होता है, जो चिकन पॉक्स होता है, हिपेटाइटिस ये किससे होता है, ये वायरस से होता है। इसमें से मलेरिया अभी हमने बताया ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, तो ये तो तुरंत ही गलत हो गया। और टाइफाइड किससे होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हम सभी लोग जानते हैं साल्मोनेला टाइफी, और ये दोनों भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ये साल्मोनेला टाइफी, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा होता है। तो इसमें से केवल फर्स्ट ऑप्शन है जो सारा किससे, वायरस से होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें से बोल रहा है कौन सा ग्रुप है जो स्वपोषियों को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों एल्गी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पालक टोमेटो और बनाना ये सभी पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कस्कुटा क्या है दोस्तों, ये जरूर याद रखिएगा कि सारे प्लांट जो है वो क्या होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन कस्कुटा क्या है, कस्कुटा एक ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट है, ये जिस पेड़ पे रहता है उसी से अपना भोजन लेता है, ये क्या है, एक पैरासाइट प्लांट है। और ये मशरूम और ईस्ट क्या है, ये फंजाई है, ये डिकम्पोजर है, ये भी अपना भोजन नहीं बनाते हैं। और लास्ट वाले ऑप्शन में कस्कुटा और मशरूम दोनों हैं, तो बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका यूज किन वेरियस स्टेप में होता है, और वो स्टेप जो दी हुई हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। तो दोस्तों जब हम पाचन पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने ये सीक्वेंस बताया था कि हम सबसे पहले भोजन को इंजेस्ट करते हैं, इसके बाद भोजन का पाचन होता है, पाचन के बाद क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन होगा मतलब अवशोषण होगा, इसके बाद इसका क्या होगा, इसका स्वांगीकरण होगा, स्वांगीकरण के बाद क्या होगा, जो बचा हुआ बेस पदार्थ है वो जो है इजेशन या रेक्टम से होते हुए फीसेस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से, सही क्रम पहले इंजेशन फिर पाचन, पहले हम उसको अंतर्ग्रहण करेंगे फिर उसका पाचन होगा, तो पहले कौन सा आएगा, डी आएगा, फिर ई आएगा। अब देखिए इसमें से कौन सा, सेकंड ऑप्शन में डी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों इसको अभी हमने रिसेंटली कक्षा 8 की एनसीईआरटी में बताया था कि जो डिस्टिल वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, इसमें सॉल्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है ये पुअर कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है मीडियम जो ए है वो क्या है, ये ऑप्टिकली क्या है, सघन है, डेंसर का मतलब ये सघन है, और मीडियम बी से, मीडियम बी से। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, सही कथन की स्पीड जो लाइट की होगी वो किस मीडियम में ज्यादा होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो प्रकाश की गति होती है वो किस में अधिक होती है, प्रकाश की गति विरल माध्यम में, विरल माध्यम में प्रकाश की गति जो होती है वो अधिक होती है, और सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश की गति माध्यम में प्रकाश की गति जो होती है वो कम होती है, कम होती है, इसलिए जो स्पीड होगी लाइट की वो किस में ज्यादा होगी, वो ज्यादा होगी मीडियम बी में, देन द मीडियम बी, सॉरी सॉरी, इसलिए प्रकाश की जो स्पीड होगी वो मीडियम बी में ज्यादा होगी देन द मीडियम ए, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि हम वायुमंडल के जो भार से पिचकते नहीं है क्यों।
जो हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है, हमारे शरीर के भीतर का दाब जो होता है वो वायुमंडल के दाब से अधिक होता है, और ये बाहर के दाब को क्या कर देता है, बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। इसलिए हम वायुमंडल के भार से पिचकते नहीं है। तो ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पानी के बर्तन में क्या होता है, लोहे का एक टुकड़ा जब डाला जाता है तो वह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों इसका कारण यह है कि जो बेट होता है, बेट ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस होता है ब्लॉक के द्वारा, उसका जो बेट होता है वो कम होता है ब्लॉक के बेट की तुलना में। इसलिए क्या होता है, वो बॉटम के तल या तल में डूब जाता है। तो दोस्तों इसका ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। यदि उसके द्वारा जो विस्थापित जल है उसका बेट ब्लॉक के बेट से ज्यादा होता है तो वो ब्लॉक उसके तल में डूबता नहीं, वो तैरता रहता। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कथन इनकरेक्ट है। दोस्तों इसको जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था अगर फ्रीक्वेंसी होगी, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो होगी ज्यादा होगी तो जो साउंड है, साउंड कैसी होगी, साउंड जो है श्रिल होगी, श्रिल होगी एंड हायर पिच की होगी, हायर पिच की होगी। तो चलिए अब अपने ऑप्शन को चेक करते हैं। एक ड्रम है वो वाइब्रेट कर रहा है लो फ्रिक्वेंसी से तो वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने बताया अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हायर है तो जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो साउंड बहुत श्रिल होगी और उसकी पिच बहुत हाई होगी। एक विसल है उसकी हाई फ्रिक्वेंसी है तो वो प्रोड्यूस कर रहा है हायर पिच, तो ये भी करेक्ट है। हमारा अगला ऑप्शन है जनरली जो वॉइस होता है मैन का वो श्रिलर देन वुमेन होता है दोस्तों, तो ये रॉन्ग है, हमसे रॉन्ग ही पूछ रहा है। क्यों रॉन्ग है दोस्तों, क्योंकि वॉइस जो होती है, वॉइस ऑफ वुमेन जो होती है उसकी हायर फ्रिक्वेंसी होती है, हायर फ्रिक्वेंसी होती है देन मैन देन मैन। इसलिए वुमेन की जो होती है, जो वॉइस होती है वो ज्यादा श्रिल होती है देन द मैन। हमारा अगला क्वेश्चन है दो प्लैनेट जो है हमारे सोलर सिस्टम में है वो रोटेट किधर से किधर करते हैं, वो रोटेट करते हैं पूरब से पश्चिम की तरफ, वो कौन से प्लैनेट हैं। तो दोस्तों वो प्लैनेट है शुक्र और यूरेनस। दोस्तों जो शुक्र होता है इसको अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में कितना 243 दिन लगते हैं, लेकिन जो ये यूरेनस होता है इसको 10 घंटे 8 मिनट लगते हैं अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में। हमारा अगला क्वेश्चन है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग में क्या है। दोस्तों मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ह्यूमन बीइंग में यूरिया है, अमोनिया किस में है, एक्वेटिक मैमल्स में है, एक्वेटिक मैमल्स में है, और यूरिक एसिड किस में पाया जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दोस्तों रेप्टाइल में, बर्ड में, इंसेक्ट में, लैंड स्नेल में। दोस्तों हम इन सबको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, आप लोग वहां से जाके डिटेल में देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं जो होती हैं चुंबक छड़ की चुंबकीय विशेषताओं को नष्ट कर देती हैं। तो दोस्तों जब हम उसको हीट करते हैं और वीट करते हैं तो चुंबक की चुंबकीय प्रॉपर्टी नष्ट हो जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन बी और सी होगा। जब हम किसी चुंबक की छड़ को क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं या बीट करते हैं, मतलब इसको ताप देना या इसको पीटना, तो इसकी जो चुंबकीय प्रॉपर्टी है वो नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने सितंबर 2015 का सीटेड का साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। दोस्तों ये सब जितने भी क्वेश्चन है सब हमारी थ्योरी में कवर किए गए हैं। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमने कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी को टोटल 18 लेक्चर में खत्म कर दिया है। दोस्तों यदि आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।